हे गाइस, स्वागत है आप सभी को आज इस धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, WCC3 गेम का फुल अनलॉकिंग माय करियर मोड, फुल अनलॉकिंग NPL ऑक्शन के फुल रिव्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा माय करियर मोड अनलॉक करने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, और NPL ऑक्शन को अनलॉक करने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो सब कुछ आज इस वीडियो में रिव्यू करके बताने वाला हूँ, हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूँ। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, नहीं तो बहुत सारे सरप्राइज आप मिस करोगे, क्योंकि माय करियर मोड के अंदर बहुत सारे सरप्राइज है। तो वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा के रखो, ऐसे ही लेटेस्ट गेमिंग वीडियो के लिए। तो मेरे भाई, इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स जाता है मनन गेमिंग को, क्योंकि मनन गेमिंग भाई ने मेरे लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बना के सेंड किया है। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उनका भी चैनल है क्रिकेट गेम का, आप जाके सब्सक्राइब करो गाइस, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वो भी बहुत ही अच्छे क्रिकेट गेम का वीडियो डालता है। तो माय करियर मोड का रिव्यू करके दिखाता हूं कि अच्छा फीचर से क्या बुरा फीचर से। तो ये माय करियर मोड को अनलॉक करने के लिए आपको 299 रुपीस चाहिए, या फिर प्लैटिनम कॉइन से भी इसे आप अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के बाद आपको आपका नाम डालना है, उसके बाद जो भी यहां पर मांगता है उसको टोटली फिल अप करना है, उसके बाद ही आप माय करियर मोड को आगे ले जा सकते हो। यहां पर बोलेगा आपका बॉलिंग स्टाइल को चूज करने के लिए आपको ऑलराउंडर सिलेक्ट करना है, बैट्समैन सिलेक्ट करना है, बॉलर सिलेक्ट करना है, वो सब अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आप अगर बैट्समैन चाहते हो तो बैट्समैन भी चूज कर सकते हो, या से आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब आपको मिलेगा ऑप्शन, आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बोलेगा कि आप कहां से हो, तो कहां से हो मतलब आप दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, मुंबई से हो, कहां से हो वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहां पर लिख देना है, तो उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर सकते हो और आपके करियर को लेके आप यहां पर मैच खेल सकते हो। यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है गाइस। यहां पर सबसे पहले तो आपको ये सेटिंग को सेटअप करके ही गेम को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे फेसेस मिलेगा, बहुत सारे स्टाइल मिलेगा, आपके हिसाब से आप इसको प्लेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, उसके हिसाब से प्लेयर को आगे ले जा सकते हो। तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आप कौन से स्टाइल में प्लेयर को रखना है, तो आप यहाँ से चूज कर लेना। उसके बाद आपको फेस का कटिंग, तो उसके बाद आपको सनग्लास लगाना है या फिर हेड्स लगाना है, सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडवांस पैक भी मिलता है जिसको आपको पैसे से खरीद लेना है। उसके बाद और भी ज़्यादा आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके प्लेयर को। तो इससे अगर आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको बोलेगा कि कैसे कैसे आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो, सब कुछ डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद आपका करियर का मैच हो जाएगा स्टार्ट, यानी कि आपका जर्नी शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारे मैच खेलना है, उसके बाद सिलेक्टर आके आपको चूज करेगा, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस है, आपको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह। तो सब कुछ इस गेम के अंदर है, एक दिन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे फीचर्स मैं आपको दिखा पाऊँ। अभी के लिए ये सेटअप कंप्लीट करके आप गेम को स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आप मल्टीमीडिया ने भी एक ऑफिशियल ट्रेलर डाल दिया है माय करियर मोड का, उनके अंदर उन्होंने बहुत सारे फीचर्स भी दिखाया है। जैसे कि देख रहा हूँ, मेरा मैच हो चुका है स्टार्ट, और इस मैच स्टार्ट करने के बाद आपको देखो, आप आगे और भी मैच खेलते जाओगे, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे। और प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे मतलब मैच खेलते खेलते आपका सिलेक्टर आके आपको चूज करेगा, वो टीम में ज्वाइन कराएगा, आपको रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे मैच खेलने के बाद ही आप इंडिया टीम में चांस पाओगे। तो ऐसे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप मतलब एक प्रोफेशनल प्लेयर बन पाओगे। आपके हिसाब से आपने जो नाम डाला है उससे आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हो। तो जैसे कि देख रहे हो भाई, नेक्स्ट अप मल्टीमीडिया ने भी एक ऑफिशियल ट्रेलर डाला था जिसके अंदर उन्होंने लाजवाब फीचर्स दिखाया है जो माय करियर मोड के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि सिलेक्टर आके चूज कर रहा है प्लेयर को कि कौन से प्लेयर अच्छा है, उनको सिलेक्टर चूज कर रहा है खुद आके। उसके साथ साथ यहां पर देख रहे हो भाई, न्यूज वगैरह के भी बहुत सारे फीचर्स डाला गया है, जैसे कि NPL ऑक्शन के भी बहुत सारे फीचर्स यहां पर छुपा हुआ है जो हिडन फीचर्स है। उसके साथ साथ बहुत सारे एनिमेशन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा माय करियर मोड के अंदर, बहुत सारे सेलिब्रेशन स्टाइल देखने को मिलने वाला है माय करियर मोड के अंदर। तो माय करियर मोड एक लाजवाब फीचर है जिसके अंदर आपको टॉप लेवल हिडन फीचर्स मिलता है, जैसे कि फ्लाइट ट्रैवलिंग, न्यू एनिमेशन, न्यू सेलिब्रेशन स्टाइल, उसके साथ साथ सिलेक्टर मीटिंग, सिलेक्शन,
बहुत सारे हिडन फीचर्स है इस माइक एरियल मोड पे। तो हम आते हैं इस बार नेक्स्ट यानी कि एनपीएल ऑक्शन 2020, ये भी एक बहुत ही सरप्राइज बहुत ही अच्छा न्यू फीचर जो आपको WCC3 में मिलता है। एनपीएल ऑक्शन इस साल के एनपीएल ऑक्शन डाला गया है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर गेम प्ले देख रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहा है मेरे को WCC2 से, बस 2020 का है तो ये ही अच्छा लगा मेरे को। और साथ ही साथ 2020 का आपको IPL ऑक्शन WCC3 में मिलेगा। इसके लिए भी स्पेशल थैंक्स भाई मनन गेमिंग। मनन गेमिंग ने इस वीडियो को मेरे लिए सेंड किया है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से आप बिडिंग वगैरह कर सकते हो, प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। एनिमेशन कुछ चेंजेस है WCC2 से, बहुत सारे एनिमेशन चेंजेस से, कुछ अच्छा ग्राफिक्स डाला है। तो सब मिला के ये थोड़ा सा बेहतरीन हुआ है, WCC2 जैसा ही लग रहा है इस IPL ऑक्शन जो इस WCC3 में मिल रहा है, तो उससे थोड़ा सा बेहतरीन है, लेकिन सेम टू सेम उसके जैसा मेरे को लग रहा है। तो आप मुझे बताओ ये IPL ऑक्शन आपको कैसा लगा WCC3 में, यानी कि NPL ऑक्शन कैसा लगा आपको, और माय करियर मोड आपको कैसा लगा, आप कितना एक्साइटेड हो इसको अनलॉक करने के लिए वो मुझे बताना। अगर आप अनलॉकिंग के लिए एक्साइटेड हो तो उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ सकता हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आता हूँ आपके साथ एक और खास वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।